कैंसर देखो मैं कितना ही तुम्हें रूल करा तो नहीं बैठेगा, हाँ बट नहीं बैठेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज से ही बैठेगा। मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, बट जो पेपर में आता है वो थोड़ा सा अलग हटकर आता है, इससे प्रैक्टिस से बैठेगा। लिखो द इंग्लिश टेंस सिस्टम, टेंस द इंग्लिश टेंस सिस्टम, द इंग्लिश टेंस सिस्टम। नंबर वन पॉइंट पे लिखो, पॉइंट्स पे लिखो। नंबर वन टेंस शब्द, टेंस शब्द, टेंस शब्द। लैटिन के लैटिन LATIN टेंस शब्द, लैटिन के टेम्पस शब्द से टेम्पस TEMPUS टेम्पस शब्द से आया है जिसका अर्थ है टाइम, जिसका अर्थ है टाइम। टू नंबर टू लिखो डेफिनेशन ऑफ टेंस, डेफिनेशन ऑफ टेंस। मैं पहले इंग्लिश में लिखा रही हूँ फिर आपको हिंदी में समझाऊंगी, जो हिंदी में समझा रही हूँ वो भी लिखो ताकि समझ में आए। इंग्लिश में लिखो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब टू इंडिकेट द टाइम and sometimes the continuation or completeness 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 of an action in relation to the time of speaking। अभी इसका मीनिंग क्या है पहले हिंदी में लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। इस डेफिनेशन का मीनिंग हिंदी में, जिस वक्त कथन किया जा रहा है कॉमा उस वक्त का काल कॉमा साथ ही कॉमा कार्य का चालू रहना या पूर्ण हो जाना टेंस द्वारा दर्शाया जाता है। हम इस चीज को समझें, टेंस बेसिकली वर्ब का फॉर्म है ना, और ये क्या करता है टेंस, क्या करता है
टेंस हमें बताता है टाइम, किस टाइम पर कोई काम हुआ, एक तो ये बताता है, साथ ही ये भी बताता है कि काम पूरा हो गया, काम चल रहा है, पूरा हो गया, चल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्टिव टेंस होता है, कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें टेंस बताता है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस से आया है, ये तो ठीक है। टेंस वर्ब का एक फॉर्म है जो दर्शाता है, टू इंडिकेट द टाइम, टाइम बताता है, एंड समटाइम्स कभी कभी ये भी बताता है ये काम पूरा हो गया या चालू है। द कंटिन्यूएशन जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, और कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन जिसको हम परफेक्टिव टेंस कहते हैं, इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय व्यक्ति बोल रहा है उस समय तक काम अभी भी चालू है, काम खत्म हो गया है, ये सारी की सारी बातें हमें टेंस बताती है। फिर भी टेंस और टाइम एक नहीं होते, ट्रू और फॉल्स, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, कल फर्स्ट ग्रेड के पेपर में खूब इन्होंने पूछा, विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, है ना, तो विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू। टाइम एंड टेंस आर नॉट वन, हम भले ही देख रहे हैं कि टेंस टाइम के बारे में बताता है, फिर भी टेंस अलग है, टाइम अलग है। जब मैं कहती हूँ अगले हफ्ते तो मैं घर जा रही हूँ, अगले हफ्ते तो मैं घर जा रही हूँ, आप तो कह रहे हो अगले हफ्ते आ जाओ, अगले हफ्ते तो मैं घर जा रही हूँ, अगले हफ्ते भविष्य, घर जा रही हूँ, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टाइम। इस पर एक ना एक क्वेश्चन होगा, जब हमने कोई प्लान बनाया है, हमारा कोई पक्का इरादा है, और हमने एक तरीके से डिसाइड कर लिया कि निकट भविष्य में हमें ऐसा कुछ करना है, वो सब हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, पर बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट टेंस, ओके। अब हिंदी में इस डेफिनेशन का मीनिंग था, अभी जो हमने लिखा था वो डेफिनेशन है, इस तरीके का पूछा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ध्यान से डेफिनेशन देख के देखो। जिस वक्त कथन किया जा रहा है, ऊपर हमने जो इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, जिस वक्त कथन किया जा रहा है उस वक्त का काल, साथ ही कार्य का चालू रहना या पूर्ण हो जाना, कंटिन्यूअस और परफेक्टिव टेंस द्वारा दर्शाया जाता है, ये क्लियर है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखो, टेंस रेफर्स टू टाइम, देखिए थोड़ा सा छोड़ दो ऊपर, सात आठ लाइन, टेंस रेफर्स टू टाइम, टेंस रेफर्स टू टाइम, डैश लगाकर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फुल स्टॉप। So, comma, so, we talk about time in English, with tenses, full stop, but, star lagao, but, repeat karo, so we talk about time, mat likho tum log. So we talk about time in English with tenses, yogya, but, star lagao, we can also talk about time, agar true and false mein aa gaya to hume pata hona chahiye. We can also talk about time without using tenses, without
using tenses. For example, going to, underline karo going to. Going to is a special construction to talk about the future. For example, going to or going to, borderline karo, going to is a special construction, is a special construction to talk about the future, to talk about the future, comma, but it is not a tense. But it is not a tense. देखो हिंदी में समझो इस चीज को हमने क्या लिखा है. हम कहते हैं वह आएगी गा के गी. कौन सा टेंस है या कौन सा टाइम है? फ्यूचर है. वो आएगी गा के गी फ्यूचर टाइम है. पर जब मैं कहती हूँ वो आने वाली है, भाई तुमने कहा वो परसों आएगी, तुमने कहा वो परसों आएगी, तो परसों का फ्यूचर है. गागे की उसी चीज को तुम कह रहे हो अरे मैं नहीं आ सकता, वो आने वाली है. कौन सा टेंस हुआ? कौन सा टेंस हुआ? कोई टेंस ही नहीं हुआ एक्चुअली. शी इज गोइंग टू का बात तो अभी भी आप फ्यूचर की कर रहे हो, पर इज गोइंग अगर तुम देखो शी इज going, तो इस going का मतलब तो होना चाहिए हो जा रही है. इस अमार पॉज वर्ड प्लस आईएनजी वर्ब. पर इस going एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है. आने दे पापा को, तेरी पिटाई कराने वाले हैं. इस going to meet you, है ना? तो हमने क्या किया? इस going प्लस टू इंफिनिटिव जोड़ दिया. इस going एक्चुअली वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी नहीं है. She is coming, she is going, she is sitting, she is reading, she is studying, अभी तो नहीं. Is going सिर्फ दर्शा रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, देखना ऐसा होगा, ऐसा होने जा रहा है. शुद्ध प्रोग्रेसिव टेंस भी नहीं है, आउट ऑफ टेंस है ये. अंडरस्टूड? तो अपन ने लिखा कि टेंस रेफर्स टू टाइम. ये सच है कि टेंस से टाइम का पता चलता है. ये सच है कि टेंस से टाइम का पता चलता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इसलिए हम टाइम की बात करते हैं इंग्लिश में टेंसेस के साथ. टेंस एंड टाइम टॉपिक आता है. परंतु ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब टाइम तो फ्यूचर का होता है, टेंस प्रेजेंट का होता है, और कई बार तो प्रेजेंट का भी नहीं होता, वो बिल्कुल आउट ऑफ टेंस होता है, गोइंग टू, है ना? जब हम कहते हैं मैं अपनी सहेली से, लुक एट दिस टू सेंटेंसेस, मैं परसों अपनी सहेली से मिलने जा रही हूं, है ना? तुम कहो आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड डे आफ्टर टुमारो, बात समझ में आती है. फ्यूचर आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड डे आफ्टर टुमारो, सारा ही फ्यूचर में गया. पर अपन कहते हैं आई एम सीइंग या आई एम मीटिंग माई फ्रेंड डे आफ्टर टुमारो. एम मीटिंग तुम्हारा बिल्कुल प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूअस. I am meeting का ट्रेडिशनल मीनिंग होता है जो काम इस समय चल रहा है या जो काम इन दिनों चल रहा है. भाई I am teaching you अभी, I am teaching you अभी,
राइटिंग अ बुक, अभी लिख रही हूँ क्या? पर घर में जब फ्री टाइम मिलता मैं लिखती। I am writing a book इन दिनों, जो काम इस समय चल रहा है, जो काम इन दिनों चल रहा है, भले ही समय नहीं चल रहा हो, ठीक है, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में लेते हैं। समझ में आ गया? जो काम इस समय चल रहा है, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, ये इस समय चल रहा है ना? पर इस समय और बहुत कुछ चल रहा है जो कि इस वक्त इस पल में नहीं चल रहा। इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, हम कर रहे हैं, जो कि इस पल हम नहीं कर रहे। आई एम प्रिपेयरिंग कुछ भी, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, कुछ भी कर रहे हो तो इन दिनों को सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाता है। पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज किया जाता है एक ऐसी स्थिति में जहां तुम बात तो भविष्य की कर रहे हो, यूज प्रेजेंट टेंस कर रहे हो और ये शो कर रहे हो कि मेरा ये इरादा है, पक्का इरादा है, पक्का इरादा है। आई एम गोइंग टू, आई एम प्लस वर्ब आई एन जी, आई एम हैविंग गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। हम वो सारे एक एक एग्जाम्पल, अरे ये मेरे घर की खिड़कियां बड़ी गंदी हो रही, तुम आते हो मेरे घर, कहते मैं भी हाल का क्या हाल बना रखा है आपने, इतना तो ये धूल मिट्टी जम रही हर जगह। मैं कहती हूँ हाँ मुझे भी पता है, मुझे टाइम नहीं मिलता, बट अब की संडे को मैं सफाई करवाने जा रही हूँ। संडे को, आज तो बुधवार ही है पर संडे आएगा ना, संडे को मैं खिड़कियां साफ करवाने जा रही हूँ। तो फिर भी नहीं करूंगी पर करवाने जा रही हूँ। क्या कहूंगी मैं? आई एम कंटिन्यूअस टेंस, आई एम आई एन जी आएगा, गेटिंग माई विंडोज क्लीन्ड दिस संडे, आई एम हैविंग माई विंडोज थर्ड फॉर्म वर्क क्लीन्ड दिस संडे। हमने ये फॉर्म कर रखा है, हेयर कट मैंने कराया था आपको उस वाली बिल्डिंग में। तो ये जो यूज है आपका, आई एम गेटिंग माई विंडोज क्लीन, आई एम हैविंग माई विंडोज क्लीन, आई एम गो, अगर मैं खुद करूंगी, आई एम गोइंग टू क्लीन दीज विंडोज ऑन संडे, आई एम गोइंग टू क्लीन दीज विंडोज ऑन संडे। सारा हम आई एन जी फॉर्म में ले रहे हैं, इसे मार्क वॉज वर्ब प्लस आई एन जी, और फिर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। I am meeting my friend day after tomorrow. बात समझ में आ रही है? ये टेंस का और टाइम का कॉन्ट्रडिक्शन है। टेंस तो प्रेजेंट चल रहा है, टाइम फ्यूचर चल रहा है। Is this clear? तो इसलिए आप अपन लिख रहे हैं, टेंस रेफर्स टू टाइम, टेंस में समय का जिक्र किया जाता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो वी टॉक अबाउट टाइम इन इंग्लिश विद टेंसेस। हम टेंस के साथ टाइम की भी अक्सर बात कर लेते हैं इंग्लिश में, बट महत्वपूर्ण क्या है ये तुम्हें याद रखना है। अभी जो मैंने समझाया ये स्टार लगा के रखो। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट टाइम विदाउट यूजिंग टेंसेस। क्या एग्जाम्पल है इसका? वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट टाइम विदाउट यूजिंग टेंसेस। सपोज मैं कहूं I am seeing my friend, copy में लिखो ये रूल, स्टार लगाओ, स्टार लगा कर लिखो। We can also talk about time, we can also talk about time without using tenses, without using tenses। हम टाइम की बात कर सकते हैं टेंस को यूज करे बगैर। अब एग्जाम्पल, we can also talk about time without using tenses। ठीक है। अब
friend on Sunday. Aaj Sunday nahi hai. I am meeting my friend on Sunday. Isme Sunday to bhavishya. Tense kaun sa? Tense chal bhi raha hai ya nahi chal raha hai? Chal raha hai. Am meeting. I am meeting. Continuous tense chal raha hai. I am meeting my friend on Sunday. Tense chal raha hai. Present tense chal raha hai. Time kya chal raha hai? Future chal raha hai. पर जब हम टू इंफिनिटिव लगाते हैं आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड्स ऑन ट्यूसडे या संडे या जो भी डे तो टेंस के बाहर मामला आ गया. आई एम गोइंग टू द मार्केट समझ में आ रहा है. आई एम गोइंग टू स्कूल समझ में आ रहा है. आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स प्लेस समझ में आ रहा है. I am going to my friend's place. समझ में आ रहा है. बिल्कुल present continuous है. I am going to meet. जो हमने two infinitive लगा दिया उस तरफ. इसमें tense. I am going to meet. Out of tense हो गया एक तरीके से. I want to meet my friend. I want to meet my friend. दो verbs को जोड़ने के लिए two use हुआ है. I want to meet my friend. अरे सत्यनारायण कथा की मत करो, मत सुनो ना, लिखो ना. I want to meet my friend. First form want और meet को तूने जोड़ा है. Want और meet को तूने जोड़ दिया. I like to eat ice creams. I like to read ice creams. I wish to pass. I wish to pass. I wish to pass. अब क्या हुआ? तूने जोड़ा है ना? अब I am going. I am going to meet my friend. I am meeting my friend se alag ho gaya. I am meeting my friend on Sunday. I am going to meet my friend on Sunday. Dono sentences mein difference hai. Tumhe dikh raha hai ki I am meeting my friend bilkul present continuous hai. Hai na present continuous. I am going to meet my friend on Sunday. टेंथ से बाहर है. इसलिए हम टाइम की बात कर रहे हैं पर टेंथ का यूज नहीं कर रहे हैं. गोइंग टू वाले स्ट्रक्चर में याद रखो, गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्यूचर की बात करता है पर टेंथ के बगैर करता है. बस ये याद रखना है. गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब वाला स्ट्रक्चर. Going to plus first form verb एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं और टेंस है ही नहीं क्योंकि हमने टू इन्फिनिटिव को जोड़ दिया उधर. ये समझ में आया है? संडे आ रहा है तो टाइम फ्यूचर का आ रहा है क्या? विल आ रहा है क्या? मॉडल तो कुछ भी नहीं आ रहा था. मॉडल कोई आता फ्यूचर को दर्शाने वाला तो हम कहते ये क्या आया? फ्यूचर आया. मॉडल तो कुछ आई नहीं ना. मैं कहा ना विल में नहीं समझ में आया वो भी ना? भाई फ्यूचर कैसे पता चलता है तुम्हें? गागे की से पता चलता है ना. गागे की से फ्यूचर पता चलता है या नहीं? इंग्लिश में कैसे पता चलता है? अगर तुम्हें कहना है कि मैं संडे को आऊंगा तो तुम क्या कहोगे? विल लगाओगे ना. तो जो विल ही तो बताता है. अगर तुम कहते हो आई मे कम तो भी माना जा सकता है भविष्य की बात कर रहे हो. मैं संडे को आ सकता हूँ नहीं. मॉडल ही ना हो तो फ्यूचर का कोई रेफरेंस ही नहीं है. एम गोइंग टू में कोई मॉडल थोड़ी ना आ रहा है तो कैसे फ्यूचर की बात हो रही है?
हमें पता है फ्यूचर टाइम है, पर टेंस फ्यूचर नहीं है क्योंकि मॉडल यूज है ही नहीं इसमें। अब देखो वन टेंस वो भी क्लियर हुआ या नहीं? काम हो जाएगा। वन टेंस डज नॉट ऑलवेज टॉक अबाउट वन टाइम। वन टेंस does not always talk about one time. एक टेंस में जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम की बात की जा रही है। इस अगर आरपीएससी ये सेंटेंस दे दे और चार ऑप्शन में ऑप्शंस दे दे तो तुम्हें उस तरीके का सेंटेंस चूज करना पड़ेगा। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड ऑन संडे। एक टेंस उस टेंस से संबंधित टाइम की बात कर रहा हो ये जरूरी नहीं है। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड नाउ ये तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टाइम है, बट आई एम मीटिंग माई फ्रेंड ऑन संडे प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टाइम है। प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टाइम है। देखो तुम एक फिल्म देख के आते हो, फिल्म देख के आते हो और उस फिल्म की स्टोरी तुम किसी को सुनाते हो, कौन से टेंस में सुनाते हो? तुम कहानी सुनाते वक्त ये सुनाते हो एक हीरो था वो वहां गया फिर वो हीरोइन से मिला फिर उसने फलाना किया, नहीं करते तुम? तो कहते हो वो क्या करता है, वो वहां जाता है फिर वैसा करता है, करते हो या नहीं? एक टेंस हमेशा एक टाइम को मैच करे, नॉट नेसेसरी एट ऑल। अब पास्ट को प्रेजेंट में सुनाते हैं, कहां सुनाते हैं? स्टोरीज में। व्हेन डू वी यूज द प्रेजेंट टेंस फॉर द पास्ट? उस कहानी में क्या होता है, उस कहानी में क्या होता है? ऐसा होता है एक आदमी होता है वो बलाना करता है वो ठिकाना करता है। हमने उस स्टोरी जो पास में उसको हमने पढ़ा उसको पास में सुनाया उसको प्रेजेंट में हमने उस पास को प्रेजेंट कर दिया, हमने टाइम और टेंस को चेंज कर दिया। हम अभी बात कर रहे हैं फ्यूचर के टाइम के बारे में पर हमारा इरादा इतना पक्का है कि हम उसको अभी प्रेजेंट में ये प्रेजेंट में सच है। मैं तो जा ही नहीं हूँ, मैं मिल रही हूँ अपनी फ्रेंड से, मिल रही हूँ। आई विल मीट नहीं, आई विल मीट होता तो टेंस होता। आई एम मीटिंग कब? संडे को। नॉर्मली हम कहते हैं आई विल मीट माय फ्रेंड ऑन संडे पर हमने उस मॉडल बिल को उड़ाकर आई एम मीटिंग कर दिया और इससे टाइम एंड टेंस में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्लियर है? इसलिए वन टेंस तुम लोगों को जब ट्रू एंड फॉल्स थ्योरी में पूछते हैं तब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगला पूछ क्या रहा है।